इतना ही सर कि जो जमीन और जो फसल और मनुष्य और जानवर जो पशु पक्षी इनके अंदर में समानता क्या चीज है? मनुष्य का शरीर, हाँ सर, जमीन और जानवर, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, या कोई भी जानवर, हाँ, और हमारी जो फसल है, फसल है सर, इसकी एक जैसी समानता है। हाँ, ओके। जैसे घर में किसी का शादी ब्याह करना है, हाँ, तो हम पहला देखते हैं लड़का किस परिवार का है, लड़की किस परिवार की, मतलब परिवार का इतिहास हम जानते हैं। तो उसी तरह से फसल लगाने से पहले आप जो सीट सेलेक्ट करते हो, वो बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार का सीट सेलेक्ट कर रहे हो। जानवर के अंदर आप गाय ला रहे हो घर में, तो उस गाय की माँ कौन था, बाप कौन था, उसकी क्रॉस ब्रीड क्या थी, नस्ल क्या थी, प्योर नस्ल की है कि क्रॉस ब्रीड की थी, वो जानवर में देखना जरूरी है। अच्छा अच्छा। जमीन को भी शरीर मनुष्य के शरीर की जैसा ट्रीटमेंट की जरूरत है कि उसको सही टाइम पे प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशन, उसमें होने वाले गलत कीड़े मकोड़े जिससे जमीन को नुकसान होता है, उससे उसको बचाना। तो ये प्रक्रिया जो है मनुष्य के शरीर की, जानवर की, जमीन की और फसल की एक जैसा है। सर्वसामान्य तरकीब से लोग क्या सोचते हैं कि झाड़ लगा दिया है फसल आना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, काश्तकार आते हैं, हमने सब आम का झाड़ लाया, केसर का झाड़ लगा, मगर फल नहीं लग रहे, नहीं लग रहे। तो मैं उनको पूछता हूँ कौन सी नर्सरी से लाए थे, कौन सी वैरायटी का केसर था, वो नहीं मालूम है, नॉलेज नहीं होता उनके बारे में, वो हमको नहीं मालूम है। और फसल बोले हमारी फसल खराब हो गई, बरसात गिर गई। अभी आदमी बरसात में भीगेगा तो सर्दी बुखार होगा, तो वो क्या करता है, रेनकोट पहनता है। अब जमीन को तो रेनकोट नहीं पहना सकते, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। नेचुरल फार्मिंग में अलग अलग प्रक्रिया है। अभी संतरा मौसमी के बाग है, बरसात गिर गई है, तो उसको आप पानी में गौमूत्र मिक्स करके मार सकते हैं। वो करना चाहिए, वो अगर टाइम पे किया तो ठीक होता है। और हर 15 दिन में उसको स्प्रे करना चाहिए दशपर्णी का वैक्सीनेशन। अभी कोविड चल रहा है तो हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं ना, पहला डोज ले रहे, दूसरा ले रहे, बूस्टर ले रहे, उसी तरह से जमीन को, फसल को, उसकी स्प्रेइंग का सिस्टम होना चाहिए। जानवर को भी, उसके अंदर जो कीड़े होते हैं वो उसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, उसका लीवर खराब करते हैं। तो जो मनुष्य के शरीर पे आपत्ति आती है, और मनुष्य जिस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखता है, सवेरे का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का चाय नाश्ता और खाना, तो जमीन